हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल रंजीत फिश फार्मिंग में। तो आज देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग जो है अपने तालाब पर जो भी आम का पेड़ है उस पर से हम लोग आम तोड़ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि मेरे तालाब के चारों तरफ जो है कम से कम 15-16 जो है आम का पेड़ है, वो भी इतना बड़ा बड़ा आम का पेड़ है। तो उसी पर से हम लोग जो है आज आम तोड़ रहे हैं। देख सकते हैं कैसे ये सब गिर रहा है, इतना सारा आम। तो हम आपको भी बता दें कि अगर आपका भी जो है तालाब का मेढ़ जो होता है वो चौड़ा है तो उस पर भी आप आम का पेड़ लगा सकते हैं और उससे जो है आप एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। तो आज जो है घर पर अचार के लिए जो है आम यहाँ से हम लोग तोड़ रहे हैं और मेरे साथ में बाकी सब मेरा दोस्त है, तो उसी सबको बुलाए हैं तोड़ने के लिए। तो सब लोग जो है मिलकर तोड़ रहे हैं आम। तो चलिए देखते हैं आगे कितना क्या होता है। पहले तो हम लोग लगी से तोड़ रहे थे तो बट उससे उतना जल्दी नहीं टूट रहा था। तो फिर दो लड़का भी चढ़ा है, उसको पूरा दोम रहा है तो उस पर से पूरा आम का, देखिए आप देख सकते हैं कितना आम गिर रहा है, बहुत संख्या में आम गिर रहा है यहाँ पे। तो जैसा लग रहा है कि आम का बारिश ही हो रहा है, आप देख सकते हैं बहुत संख्या में जो है यहाँ पर आम गिर रही है। और ये भी है कि ये जो है पेड़ जो है तालाब के किनार पर है जिसके कारण जो है आधा आम जो है पानी में ही चला जाता है, बट किनार पर ही रहता है, वो साफ पानी में दिखाई दे देता है। तो हम लोग वहाँ से भी जाकर लाएंगे उसको। बाकी तो तकरीबन 2-4 kg जो है पानी में ही गया है आम अभी फ़िलहाल, तो उसको भी जब उठाएंगे तो उस समय उसको भी निकाल लेंगे। तो पहले तो जितना भी है अभी, आज तो पूरा आम ख़त्म नहीं होगा बट जितना हो सके उतना हम लोग आज तोड़ रहे हैं। तो ये सारा आम जो है घर पर ही ले जाएंगे जो कि अचार लगाने के लिए। और दोस्तों, आपका भी अगर तालाब के चारों तरफ जो है चौड़ा मेड़ है तो उस पर आप आम का पेड़ या सागवान ये सब लगा सकते हैं, क्योंकि ये आगे चलकर जो है दोस्तों आपको अच्छा खासा इनकम दे देता है, पैसा दे देता है। और अगर आम लगाते हैं तो ये आपका जो है साल भर ये इनकम आपको देते रहेगा। और नहीं तो आप सागवान का भी पेड़ लगा सकते हैं अगर आपका जो है चौड़ा मेड़ है तो तालाब का। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कितना सारा आम गिरा हुआ है, इसको जो है उठाने में ही हालत पंचर हो जाएगा क्योंकि इधर उधर सभी जगह से जो है उठाना पड़ेगा। और ढेर तो है, पत्ता में भी चला गया है, जैसे में पत्ता में छिपा हुआ है तो उसको भी देख देख कर निकालना पड़ेगा। तो लगी से जो है हम लोग तोड़ रहे थे तो उतना जल्दी नहीं टूट रहा था, तो फिर हम लोग जो है अपना जो है देसी जुगाड़ अपना है। अगर इसी आम को जो है अगर पकाना रहता तो हम लोग ऐसे नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि अगर ऐसे अगर नीचे की ओर ऊपर से ही आम को गिराते तो उसमें चोट लगता, चोट लगने के कारण दोस्तों जो है अगर उसको पकाने के लिए रखते तो आम सड़ जाता। तो इसीलिए इसको अचार लगाना है, तो इसलिए हम लोग इसको जैसे मन तैसे तोड़ रहे हैं। तो आज तो फिलहाल इतना ही हम लोग आम तोड़ रहे हैं और इसको देख सकते हैं आधा पानी में ही गया है उधर, तो उधर से एक लड़का है जो इधर की ओर फेंक रहा है। तो सारे आम को बटोर कर और एक बोरे में कर इसको अब घर ले जाना है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।